नमस्ते साथियों, दशहरे के बाद 3-4 दिन बाद शरद पूर्णिमा आती है। तो आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा और बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि शरद पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा के दिन जगह जगह हमारे जो मंदिर होते हैं, हिंदू धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधीय युक्त खीर बनाकर लोगों को खिलाई जाती है। तो इसके पीछे क्या मतलब है, आज हम इसी खीर के बारे में आज ये वीडियो आपसे साझा करने वाले हैं। मैं पिछले 3-4 साल से ऐसी खीर बनाकर परिवार वालों को या अपने साथियों तक इसको बांटने का प्रयास करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई ऐसे लोग जो मिलकर पूरे गांव के लिए बनाए तो भी मैं उसके लिए योगदान देने की क्षमता रखता हूँ। तो फिलहाल मैं, यदि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो आप लोगों के लिए कल यानी कि 16 अक्टूबर 2024, तो इस दिन को आपको शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर और आपको कैसे चंद्रमा की चांदनी में रखनी है, इसकी पूरी विधि आपको डिटेल वाइज आज मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो क्या होता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है, और पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सीधी लंबवत यानी कि उनमें औषधीय गुण होता है और वो हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ पर पड़ती है तो वो खाद्य पदार्थ उन किरणों को अवशोषित कर लेता है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर और उस चीज़ को खाते हैं तो हम पूरे साल के लिए, यानी कि ये एक प्रकार से एक वैक्सीन का काम करती है, एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो कोई भी औषधि होती है वो इसको सुबह खाने से और अपने शरीर में पूरे साल तक वो एनर्जी बनी रहती है। तो क्या करें कि आपको खीर बनानी है, तो खीर के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चावल लेने हैं बिल्कुल हल्के, जो बहुत ज़्यादा आप लंबे वाले नहीं या फिर कोई अलग अलग डिज़ाइन के चावल नहीं लेने, बिल्कुल जो हल्के जो आम चावल होते हैं, हल्के हल्के पीले होते हैं, वो चावल आपको लेने हैं। और पानी, चावल और पानी के माध्यम से आपको ये खीर बनानी है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेवे नहीं डालने, कोई बादाम नहीं डालने, कोई किशमिश नहीं डालना, क्योंकि इसमें ये पतली सी बनानी है। घर की महिलाएँ सब जानती हैं कि कैसे इसको बनाना है, तो इसको बिल्कुल पतली खीर बनाकर और आपको बर्तन लेना है, या तो पीतल का या फिर मिट्टी का, और अगर ये दोनों भी ना चले तो स्टील का चल सकता है, लेकिन मेरी प्योरिटी अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं तो मिट्टी और पीतल सबसे ऊपर है। इसमें आप अगर बनाएं तो सर्वोत्तम, इसमें आपका औषधीय गुण बना रहने का बहुत ज़्यादा 100% रहता है। तो इसमें आप वो खीर बनाएं और भिन्न भिन्न रोगों के अनुसार भी बना सकते हैं। जैसे किसी को अस्थमा है, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि अखबारों में आता है कि भाई दमा की खीर बनाई जाती है, तो वो किस प्रकार से बनाई जाती है मैं वही औषधि आपको बताता हूँ। जैसे कि यदि किसी को दमा है, खांसी है, जुखाम है, बार बार छींक आती है, तो उसके लिए पीपल की छाल, जो हमारी पीपल की जो छाल होती है उसका चूर्ण चूरा पीस के और उसको 1.5 चम्मच एक आदमी के लिए, वो 1.5 चम्मच वो एक आदमी के लिए खीर में मिलाई जाती है। या फिर आप उसको पहले पानी ले लो और उसमें वो औषधि डालकर और उस पानी को बॉईल कर लो, उसको बॉईल करने के बाद जो वो आधा रह जाए तो उस पानी में और दूसरा पानी ऐड करके अपना चावल जिस प्रकार से आपको बनाना है उस प्रकार से आप अपनी खीर बना सकते हो। इसी प्रकार जिसको अगर कोई हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी के मद्देनज़र आपको अर्जुन की छाल लेनी, वो भी आपको 1 से 1.5 चम्मच ही लेनी है एक आदमी के लिए। तो वो भी आप अपनी कूट पीस के अपना उसमें पानी में बॉईल करके और फिर उसको छान के और फिर उसमें खीर बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को लीवर का है, किडनी का है और शरीर में अन्य रोगों में अपना मतलब कि ऑल ओवर जो शरीर में प्रॉब्लम है उसके लिए यदि आपको कोई बनानी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आपको पुनर्वा यानी कि पुनर्वा का पंचांग मिल जाता है पंसारी से, पुनर्वा जिसे आप अपनी देसी भाषा में शाटी बोलते हैं, इसका जो पंचांग होता है उसको पत्ते, तना, जड़, टहनी, ये सारी चीज़ें मिला करके और उसको आप बनाते हैं 1 चम्मच चूर्ण के साथ, तो आपको ये पूरे शरीर में उसी प्रकार से काम करता है। और ये क्यों महत्व रखता है, क्योंकि जब आप ये औषधि बनाते हैं तो आपको जैसे किसी रोग के लिए एक वैक्सीन लगा दी जाती है तो वो पूरे सालों साल काम करती है। तो इसी प्रकार से ये चंद्रमा की जो सबसे नज़दीक जो आना होता है शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसका खास विशेष महत्व है। और ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे बहुत से लोग बता देते हैं हमारे बाबा का आशीर्वाद है, तो वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन यह आयुर्वेद में इसका वर्णन है और इस प्रकार से खीर बनाने से बहुत से लोगों को लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना है, वो खीर बनाकर और फिर आपको
छत पर रखना है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई खिड़की में रख दिया या नीचे रख दिया, तो आपको छत पे रखना है। और उसमें आप या तो आप मिट्टी की ही कोई हांडी में ही रख दो उसको, थोड़ा सा मलमल का कपड़ा बांध कर, और अपना इस तरह से सेट करके रखो ताकि बिल्ली वगैरह आए तो उसको खाने ना पाए, कोई कीट मकोड़े ना पड़े। तो इसमें मलमल का कपड़ा आप ढक सकते हैं, क्योंकि वो भी हल्का होता है और जालीदार होता है, तो उसी किरणें उसमें से चली जाती हैं। इसके अलावा आप आपका प्रश्न होगा किसी का, भी कांच से ढक सकते हैं। कांच से नहीं ढकना है, सिर्फ आपको मलमल का कपड़ा लेना है, या फिर आपको लोहे की जाली जो अपने गांव में जो तूड़ा छानते हैं, कोई छालना जैसे वो होता है, जो जाली सी लोहे की जाली सी, तो उसके नीचे आप परात में रख के और फिर आप चारों तरफ ईंट रख के उसको बिल्ली से ही बचा सकते हैं, और आपके चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी उसमें आ जाएंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो पीतल की जो परात होती है जिसमें हमारी महिलाएं रोटी वगैरह बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, उसमें आपको खीर अपने परिवार के हिसाब से रख लेनी है। जैसे पूरा परिवार 4 लोग हैं तो 4 एक एक प्याली के हिसाब से ले लेना। और जिसकी अगर आयुर्वेदिक के हिसाब से औषधि बनानी है, आयुर्वेदिक के हिसाब से उसमें कुछ डालना है, तो उसको अलग अलग कटोरियों में भी रख सकते हैं। जैसे किसी को थोड़ी ताकत बढ़ानी है, थोड़ी इम्यूनिटी और बढ़ानी है, और अश्वगंधा और सतावर का चूर्ण डाल के वो अपनी वो इम्यूनिटी को वर्धक कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो उसमें अपनी प्याली में अलग से डाल के मिला के और फिर उसको रख दे, तो वो भी काम कर जाएगा। तो इस प्रकार आपको बिल्ली वगैरह कुत्ते वगैरह से बचाकर छत पर रखना है, क्योंकि छत पे जब आप रखोगे तो चंद्रमा सुबह रात 9 बजे से 10 सुबह 4 बजे तक वो घूमता घूमता हुआ जाएगा, तो उसकी सारी किरणें उसमें पड़नी चाहिए। और फिर आपको इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 से 7 6 बजे, यानी कि 5 बजे या 4 बजे उठ जाओ। फिर कोई नहा धोता है या कोई अपना पूजा पाठ करता है या कोई भक्ति करता है, तो करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको इसमें अपनी एक एक प्याली लेकर और उसको ठंडा ही खाना है, इसको गर्म नहीं करना। आप देखोगे कि यदि कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई खांसी का है, जुकाम हो रही है, तो उसको ये नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये शीतल हो जाती है, चंद्रमा की किरणें तो शीतल है, और ये शीतल होने के बावजूद भी ये इतनी इम्यूनिटी इसमें आ जाती है कि वो उसको नुकसान नहीं करती, बल्कि उसको और फ़ायदा देती है। और ये मैंने भी अपने जीवन में कई बार पिछले 3 साल से इसका अनुभव लेता आ रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक है। बहुत से लोग जाते हैं दूर दूर, तो आप ये अपने घर पे भी बना के अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चंद्रमा की जो किरणें हैं वो बहुत ही, जैसे बहुत सी बीमारियों में भी काम आती हैं। जैसे आप आँखों को लीजिए, तो आँखों में आप जैसे त्राटक कर सकते हैं, आँखों में चश्मा हटाने के लिए आप उसमें लगातार टोर लगाकर उसको देख सकते हैं, थोड़े अश्रु धारा बहेंगे और टकटकी लगाकर देखने से आँखों में भी रोशनी वापस आती है, चश्मा हटने का भी चांस पूरा पूरा होता है। लेकिन ये सच्चे मन से आप अगर करें तो ही संभव है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, महिला और स्त्री और चंद्रमा का बिल्कुल कनेक्शन होता है, जिनका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ा हुआ है, यानी कि उनको पीरियड्स कभी आगे कभी पीछे, कभी जल्दी कभी, यानी कि वो बड़ी परेशान रहती हैं इन चीज़ों से, दर्द ज़्यादा होता है, तो उनके जो इस हार्मोन बदलाव के जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनके लिए महिलाओं को इस समय जैसे दशहरा के बाद में और 10 15 दिन तक उनको चंद्रमा की चांदनी लेना होता है, यानी कि आप 1 2 घंटा अपना चांद में चंद्रमा की चांदनी लेनी चाहिए। और विशेषकर पेड़ भाग पर तो डायरेक्ट चंद्रमा की चांदनी जब लगती है तो उस भाग को वो सुदृढ़ बनाने का काम करती है। तो पहले होता था ऐसा कि महिलाएं चंद्रमा में काम करती थी, गीत वगैरह गाती थी, तो उनको बराबर चंद्रमा की किरणें पड़ती रहती थी और वो स्वस्थ रहती थी। लेकिन आजकल बंद कोठियाँ बन गई हैं, बंद कमरे में रहते हैं, तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि वो पौराणिक चीज़ें जिनसे हम स्वस्थ होते आए हैं वो आप लोगों को मैं बताता रहूं। और भी कुछ अगर बचा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कल मेरी कोशिश रहेगी एक बार फिर आपको कुछ अगर क्वेश्चन रह जाए तो मैं आपको बताऊं। तो आज के लिए इतना ही, और प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं, तो सबको मैं एक एक नहीं बता सकता, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज ही समझिए। तो आप सबको ये खीर बनानी है, और आप 1 साल इसको इस्तेमाल करके देखिए, आप अगले साल आप खुद अपने आप से ही बनाने लग जाओगे। तो मेरा प्रयास है कि ऐसी आयुर्वेद की चीज़ों को आप तक पहुँचाता रहूँ,
और हाँ, खीर में जब आप चंद्रमा को रात को जब रखते हो तो उसमें आप, यदि सेफ है आपकी जगह, तो उसमें आप सोने और चांदी के कुछ आभूषण उसमें रख सकते हो। इससे क्या होता है कि सोने और चांदी के जो गुण हैं वो भी पूरे रात उसमें पड़े रहने से खीर में आ जाते हैं, और ये और भी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एक औषधि के रूप में तैयार हो जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।